राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वेटनरी गायनोकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे, जो देखिए क्या है, एक तो बच्चों स्टिल बर्थ होता है और दूसरा अबॉर्शन होता है। तो ये दो टर्म है, बहुत बार इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत से विद्यार्थियों को। तो पहले स्टिल बर्थ क्या है, फिर बाद में समझिएगा कि ये अबॉर्शन क्या है। तो स्टिल बर्थ क्या है कि समय से पहले, यानी पूरी गर्भावधि होने से पहले ही, और गर्भावधि को मैं एक अलग टॉपिक में बताऊंगा, हर पशुओं की गर्भावधि अलग अलग है। गाय की 9 महीने 9 दिन, भैंस की 10 महीने 10 दिन, घोड़ी की 11 महीने 11 दिन, ऊँटनी की 13 महीने 13 दिन, इस प्रकार से। लेकिन समय से पहले ही जीवित फीटस का बाहर आना, समय से पहले ही, जैसे गाय में 9 महीने 9 दिन है, 7 महीने पर ही अगर जीवित फीटस बाहर आ गया गर्भाशय से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। जो अपनी मारवाड़ी भाषा में जगह सतमाशो अठमाशो बोलता, इसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ, समय से पहले जीवित फीटस का बाहर आना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी लाइन में जीवित की जगह में ये लिख दूं मृत, तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। समय से पहले मृत फीटस का बाहर आना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। इतना सा फर्क है। अब अपन पढ़ेंगे इसी अबॉर्शन को आगे। समय से पहले पूर्ण गर्भावधि खत्म होने से पहले ही मृत फीटस का बाहर आना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। हम बात करें तो ये अबॉर्शन विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है, ये विटामिन ए वाले टॉपिक में आपको बता चुके हैं, गर्भपात के लिए विटामिन ए की कमी भी हो सकती है, तो गर्भपात हो सकता है पशुओं में। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है रोगाणु। कुछ संक्रामक बीमारियां हैं, कुछ रोगाणु हैं ऐसे जिन रोगाणु के कारण पशुओं में अबॉर्शन होता है, और इस अबॉर्शन को हम समय के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। पहला कि इस प्रकार के रोगाणु जो फर्स्ट ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, फर्स्ट ट्राइमिस्टर का मतलब प्रथम तिमाही में, जैसे ही गर्भधारण हुआ उसके प्रथम तिमाही में कौन कौन से रोगाणु अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी बार क्या पढ़ेंगे, सेकंड ट्राइमिस्टर, जिसे मिड ट्राइमिस्टर भी बोल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ रोगाणु ऐसे भी होते हैं जो सेकंड ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 2016 पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी रोगाणु है, इस प्रकार से ऑप्शन थे। और देखो, सही ऑप्शन का चयन तब कर पाओगे जब आप इनको अलग अलग उदाहरण सहित याद कर लोगे, और मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा ये। तीसरे रोगाणु वो होते हैं जो थर्ड, या इसको हम लास्ट भी बोल सकते हैं, जैसे सेकंड को मिड बोला, वैसे थर्ड ट्राइमिस्टर में या लास्ट ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो देखिए याद कैसे करना, अलग अलग। फर्स्ट ट्राइमिस्टर को आप याद रख सकते हैं, इसके उदाहरण आप कैसे याद रखेंगे, टॉर्च से। फर्स्ट बार आपने टॉर्च मारी, फर्स्ट ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी रोगाणु है टॉर्च। देखिए टॉर्च से क्या निकल के सामने आएगा, टी से 2 नाम आएंगे, टी से आएगा टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा, इसके बाद में टी से आएगा ट्राइकोमोनास। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये ट्राइकोमोनास कभी कभी सेकेंड ट्राइमिस्टर में भी अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होता है, मगर
यहाँ ये ज्यादा उत्तरदायी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो टॉक्सोप्लाज्मा और ट्राइकोमोनास। ये ट्राइकोमोनास पोस्ट सर्विस पायोमेट्रा के लिए भी जिम्मेदार होता है। कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है एग्जाम में, पोस्ट सर्विस पायोमेट्रा, इसका अर्थ समझिए पोस्ट का मतलब बाद में, जैसे हम पोस्ट पोन करते हैं यानी बाद में धकेल दिया, पोस्ट का मतलब बाद में, सर्विस का मतलब नेचुरल सर्विस, यानी हम जब नेचुरल सर्विस कराते हैं इसके बाद में पायोमेट्रा का मतलब पस इन यूट्रस, यूट्रस में पस का पाया जाना यानी मवाद का पाया जाना। सर्विस के बाद में यूट्रस से अगर मवाद बाहर निकल रही है, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन पहले किसी बुल ने किसी गाय को सर्विस दी, नेचुरल सर्विस हुई और गाय की वेजाइना से उसके यूट्रस से होते मवाद बाहर आ रही है, तो बताइए किस संक्रमण की संभावना है? ट्राइकोमोनास। पोस्ट सर्विस पायोमेट्रा के लिए जिम्मेदार है ट्राइकोमोनास और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए भी उत्तरदायी है। फिर देखिए टीओ से टॉक्सोप्लाज्मा और टी से ट्राइकोमोनास आ गया, आर से क्या आया मेरे भाई? रूबेला। नाम तो बहुत बार सुना होगा रूबेला, महिलाओं में भी खूब होता है ये, रूबेला बच्चों में भी होता है जिनका टीका भी लगता है रूबेला। फिर सी से क्लेमाइडिया, सी से क्लेमाइडिया और एच से हर्पीस, हर्पीस वायरस जो मनुष्य में त्वचा के संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार है, जो मनुष्य में त्वचा का संक्रमण भी करता है। तो टॉर्च मारी आपने फर्स्ट ट्राइमिस्टर में, अर्थात फर्स्ट ट्राइमिस्टर वाले रोगाणु कौन है? टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइकोमोनास, रूबेला, क्लेमाइडिया और हर्पीस। तो ये रोगाणु फर्स्ट ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो याद रखिए। फिर सेकेंड ट्राइमिस्टर में आपको याद रखना है वीकेम, सेकेंड ट्राइमिस्टर में जिम्मेदार है वीकेम, वी वी का मतलब विब्रियोसिस या विब्रिया, केम का मतलब कैम्पाइलोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर। तो वीकेम मिड ट्राइमिस्टर में या सेकेंड ट्राइमिस्टर में दो रोगाणु मुख्यतया जिम्मेदार हैं, विब्रियोसिस, विब्रियो और कैम्पाइलोबैक्टर, और मैं बता चुका कभी कभी ट्राइकोमोनास भी। इस प्रकार से तीन हो गए, तो याद रखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मिड ट्राइमेस्टर में क्या हो गया? वीकेम, विब्रिया और कैम्पाइलोबैक्टर। फिर थर्ड या लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी है, उसको आप याद रखना कैसे? ब्रुसालेली, ब्रुसालेली से भी याद रख सकते हैं, अन्यथा मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा। ब्रुस का मतलब ब्रुसेला, सा का मतलब साल्मोनेला, ले का मतलब लेप्टोस्पायरा, ली का मतलब लिस्टीरिया। तो ये चार प्रकार के रोगाणु थर्ड या लास्ट ट्राइमिस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट ट्राइमिस्टर में टॉर्च, सेकंड ट्राइमिस्टर में वीकेम, थर्ड ट्राइमिस्टर में ब्रुसालेली। तो इस प्रकार इन ट्रिक्स के माध्यम से आप अबॉर्शन करवाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणु जो अलग अलग समय पर अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं आप याद रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे का टॉपिक हम लेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।